शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस पर शनिवार को 23 मार्च को आजाद हिंद चेतना मंच और हिंदू चेतना मंच के संयुक्त तत्वाधान में अमर शहीदों को माल्या अर्पण कर श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया गया। व्यतिहाता स्थित भगत सिंह की मूर्ति पर महान वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा देने की मांग किया। कार्यक्रम में राजन सिंह, सूर्यवंशी, प्रेम कुमार निषाद, वैद्य सुरेंद्र प्रसाद, हरि नारायण, राजू सिंह, अनिल व्यास, सुमन हिंदू, गीता हिंदू, मोनिका सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए हिंदू चेतना मंच के अध्यक्ष रघुवंश हिंदू ने कहा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, बंद हो जाओ, उठाओ, बंदे बंदे, भारत माता की। रघुवंश हिंदू, आजाद हिंद चेतना मंच, हिंदू चेतना मंच के अध्यक्ष। आज शहीद दिवस के अवसर पर आजाद हिंद चेतना मंच, हिंदू चेतना मंच, अपना समाज पार्टी, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति के सभी लोगों ने मिल करके हम भगत सिंह को श्रद्धांजलि दिए हैं, माल्यार्पण किए हैं। अभी जो है कि वहाँ दीपक जलाया जाएगा, दीपक जलाने के बाद उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और ऐसे महान क्रांतिकारी के लिए जितना भी श्रद्धांजलि दिया जाए वो कम ही है। हमारा अभियान है विश्व का सबसे लंबा तिरंगा फैला करके। हमने जो शहीदों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए एक मुहिम छेड़ा हुआ है, अभी 23 जनवरी को हम लोगों ने 13 किलोमीटर का तिरंगा फैला करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और उसी के क्रम में वो मात्र कारण ये है कि हमारे इस महान शहीद को अभी तक शहीद का संवैधानिक दर्जा नहीं है। ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत शर्म की बात है। भारत में सभी लोग जो है केवल दीपक जला करके, केवल माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन रियल में यही है कि श्रद्धांजलि तो तब होगी जब इन शहीदों को शहीदों का संवैधानिक दर्जा मिलेगा।